टाइम रहता है, हमको क्वेश्चन बनाना था, सबसे नोट डाउन करते भी जाएंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ, कक्षा 9 की गणित विषय। और गणित विषय में हम लोग शुरू किया है कक्षा 9 का अध्याय 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति, जिसका नाम है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति पढ़ने के दौरान अभी तक हम लोगों ने जहां तक पढ़ा है, कुछ बच्चों को ये डाउट था कि सर आप ये रिविजन क्लास क्यों लगाया हो। देखो क्या होता था ना कि कोई कोई बच्चा क्या होता था कि एक क्लास करता था, दो क्लास करता था, फिर वो तीसरी क्लास छोड़ देता, छोड़ दिया करता था, तो उसमें क्या होता था कि उसका वो कंसेप्ट छूट जाता था। हम लोग क्या करें, क्विक रिविजन के माध्यम से, रिविजन क्लास के माध्यम से आपके वो सारे कंसेप्ट कवर करा देंगे जो आपके छूट गया होगा, या हो सकता है कि वो आपको टॉपिक समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। तो वो अभी आपको सारी चीज समझ में आ जाएगा। इसके अलावा और क्या आपके फायदे है, इसके अलावा और ये फायदा है जो आपका सेट का एग्जाम होने वाला है उसमें आपको इसकी रिविजन हो जाएगी, तो आप उसमें अच्छा स्कोर कर पाओगे, अच्छा मार्क्स ला पाओगे, है ना। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको रिविजन के रूप में, मैंने आपको पिछली क्लास में क्या क्या चीजें सिखा दिया, तो मैंने आपको संख्याओं के प्रकार, जैसे कि प्राकृतिक संख्या, संख्याओं के प्रकार जैसे कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। इसके अलावा हमने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या पे संक्रियाएं में मैंने सीख लिया था जोड़ और घटाओ। अगर आपको ये पांचों टॉपिक में सारी चीजें समझ में आ गया है तो जल्दी से आप चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, और कुछ भी डाउट है तो एन टाइप कर दो। और ये पांचों टॉपिक में आपको अच्छी से सारी चीजें समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, और कुछ भी डाउट है तो एन टाइप कर दो। एन नहीं, आप डायरेक्ट माइक ऑन कर पूछ लो कुछ भी डाउट है तो। समझा गया ना, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबको आ गया ना। चलो तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन गुणा, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन गुणा, ठीक है, ठीक है। चलो मल्टीप्लीकेशन गुणा तो देखते हैं, चलो कितने बच्चों को मल्टीप्लीकेशन गुणा आता है बताओ सारे बच्चे। 3 × 4 कितना मिलता है, 3 × 4 कितना मिलेगा बताओ सारे बच्चे, चार उसमें 3 × 4 कितना मिलेगा सर बच्चे बताएंगे, 12 नहीं, चार उसमें नहीं बताया, आपको माइक ऑन करके नहीं, चार उसमें बताना है, माइक ऑन करके नहीं बताना है, बहुत नहीं है। हाँ जिनको आती है ठीक है, अभी हम लोग बहुत ही इजी शुरू किए हैं, ठीक है, अभी आते हैं आगे आते हैं धीरे धीरे, हम लोग शुरू से मतलब इजी क्वेश्चन से हम हार्ड क्वेश्चन पे, सरल प्रश्न से हम लोग कठिन प्रश्न पे जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया 4 × 12, ठीक है। बताओ सर 6 × 3 कितना मिलेगा हमें, 6 × 3 कितना मिलेगा हमें, 12 चार बॉक्स बताना, आपको माइक ऑन करके नहीं बताना है, 6 × 3 6 × 3 6 × 3 कितना होता है, बहुत ही अच्छे तरीका होता है 18। तो ये हो गया आपका एक अंक वाला, ठीक उसी प्रकार ये आपका हो गया दो अंक वाला। चलो सारे चीज को सॉल्व करेंगे और इसका आंसर जो है चार उसमें बताएंगे, सारे चीज को सॉल्व करेंगे और इसका आंसर चार उसमें बताएंगे। चलो आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कीजिए इसको। चलो बहुत बढ़िया, आराम से जोड़ने में गलत नहीं करना, किसी ने बच्चे ने 300 जोड़ने में गलत नहीं करना है। चलो आराम से उत्तर कीजिए, जल्दीबाजी में उत्तर मत कीजिए। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छा, ठीक है।
ठीक है चलो बहुत अच्छा, आपने सही बताया। बहुत क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस दो को चार से गुण करते हैं, दो चौका हो गया आठ, दो दिन में जाएगा चार। ठीक है फिर क्या करेंगे, देखो दो आठ के इंच वाले को हम क्रश कर देंगे, हटा देंगे, फिर करेंगे तीन से गुना, चार तीन बारह, हर तीन एक, तीन दो छ एक सात, फिर इसको हम इसको जोड़ देंगे, जोड़ो आठ का आठ, चार दो छह सात का सात, 768। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार बॉक्स में डबल अटैक कर दीजिए, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार बॉक्स में डबल अटैक कर दीजिए। ले लिया बहुत में अपना, चलो ठीक। इसी प्रकार ये जो प्रश्न है आपका तीन अंक का है, थोड़ा सा टाइम लीजिए लेकिन आंसर सही कीजिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए लेकिन आंसर आप सही कीजिए, जल्दी बनाइए सर बच्चे, कॉपी बनाएंगे और बनाकर अपना कॉपी भी दिखाएंगे। तो थोड़ा सा टाइम लीजिए लेकिन आंसर सही कीजिए। ठीक है बहुत बढ़िया, बहुत ही योगेश कुमार नाम से जुड़ते जान किया, बहुत अच्छा। अब अपना कॉपी भी दिखा सकते हो, अब अपना कॉपी कैमरा ऑन कर भी कॉपी दिखा सकते हो ताकि मैं चेक कर पाऊँ आपका सही है गलत है। वैसे आपके अपनी सही बना बहुत ही है, देवेंद्र गिरी नाम से बच्चा जान के बहुत अच्छा, ओम प्रकाश वर्मा नाम से बच्चा जान के बहुत अच्छा, ज्योति ठाकुर बहुत अच्छा, मतलब कि सभी बच्चों का उत्तर सही आ रहा है, बहुत अच्छे। चलो आप कैमरा ऑन कर भी आप दिखा सकते हो, रियाज हाँ बहुत बढ़िया, रियाज नाम से बच्चा जान के आपने सही बनाया बहुत अच्छा, मतलब सारे बच्चों ने बहुत अच्छे बताया, बहुत बढ़िया युवेश कुमार से बहुत अच्छा बताया आपने। चलो कौन बच्चा इसका आंसर माइक ऑन करके देना चाहता है, हैंड रेज करेगा, हैंड रेज मतलब देखो आपके स्क्रीन पे पांच उंगली का चिन्ह दिख रहा होगा ना, ऐसे हैंड रेज करना आपको, मैं उसमें से चूज करूंगा, मैं उसमें चूज करूंगा किसको आंसर देना, ठीक है। अपने मन से किसी को माइक ऑन नहीं करना, अपने मन से किसी बच्चे को माइक ऑन नहीं करना है, चलो ठीक है। चलो रमन कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया आप अपना माइक ऑन कीजिए, बताइए इसका आंसर, रमन कुमार नाम से जो बच्चा जान के आप अपना माइक ऑन कीजिए, बताइए इसका आंसर। ठीक है चलो वो बच्चा शायद ऐसे ही अनावश्यक माइक ऑन कर दिया, कोई इश्यू नहीं। योगेश कुमार नाम से जो बच्चा जान के आप अपना माइक ऑन करिए, इसका आंसर बताइए। योगेश कुमार नाम से जो सर आपने, हाँ बताइए सर आपने तो गुना करना पड़ा है सर, हम एक को आठ से गुना करें सर आठ आएगा, ठीक है सर एक को तीन से गुना करें तीन आएगा, ठीक है फिर एक को चार से करें चार आएगा, ठीक है चलो आगे सर फिर गुना संख्यान मतलब क्रास, गुना गुना नहीं बोलो उसको, बोलो क्रास या खाली स्थान मान लो या जीरो बोलो, मतलब वहां पे कुछ नहीं लिखना है, दूसरा संख्या से स्टार्ट करना है, दूसरा स्थान से स्टार्ट करना है ना। चलो आप करो सर, पांच तो आठ से गुना करें पांच आठ चार सर जीरो, जीरो यहाँ पर चार हासिल हो जाएगा, चार हो गया हमारा हाथ, ठीक है आप फिर पांच के बीच पांच यानी पंद्रह होना, बीच वाला तीन है ना, पांच से पंद्रह और चार उन्नीस है ना, अब बताओ आगे। फिर पांच को चार से गुना करें सर बीस, फिर ठीक है फिर एक हासिल इक्कीस, तिरासी एक इक्कीस हो गया, आप क्या करेंगे फिर दो बार काट नीचे, हाँ मतलब दो स्थान को खाली रखते हैं, है ना। आप क्या करेंगे सर, दो को आठ से गुना करें सर सोलह, ठीक है दो पांच फिर एक हासिल, ठीक है चलो कर लेते हैं, दो से इधर साइड में करके दिखा देते हैं, दो अठे सोलह, सोलह का छह यहाँ पे हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा हाथ सोलह और एक हो जाएगा हाथ से, ठीक है फिर दो को तीन से गुना करें, दो को तीन से करेंगे क्या मिलेगा सर, दो को तीन से गुना के लिए छह सर एक हासिल सात, सात हो जाएगा बहुत बढ़िया सर, दो को तीन आठ, दो चौके आठ, अब क्या करेंगे सर, जमा जमा मतलब कि जोड़ेंगे, चलो जोड़ो
सर फिर तीन, फिर सर तीन, न सर 19 रनों का, और एक क्या हो जाएगा, एक हमारा हार्सिल। सर फिर नौ, चलो आप क्या करेंगे, सर सात और एक आठ, एक हासिल नौ, नौ फिर आठ दो दस। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बनाए। अब बाकी बच्चे भी जो है ना बहुत ही अच्छा बनाए थे, जिससे कि बहुत बच्चों को मैंने कॉपी देखा था, बाकी बच्चों का भी चाहिए था। बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी से आप इस पेज या स्क्रीन शॉट लो और चैट बॉक्स में डबल एडिट कर दो। जल्दी से आप इस पेज या स्क्रीन शॉट लो और चैट बॉक्स में डबल एडिट कर दो, ठीक है। चलो कोशिश किया करो कि हर एक प्रश्न का उत्तर जो है नए नए बच्चा देगा माइकॉन करके, ठीक है। जो बच्चा नया होगा आप लोग हैंड रेज करना है, उसमें से मैं चूज करूंगा किसको आंसर देना है, ठीक है। इस प्रकार से करेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे कभी योगेश कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया इन्होंने दे दिया, अब अगला जो प्रश्न होगा उसका एक नए बच्चा आंसर देगा, ठीक है। चलो उसके पहले आप क्या करो, एक प्रश्न जो कि आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न है जो कि आपके स्क्रीन पे है, इस प्रश्न का उत्तर आप जल्द से कहां करो, पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है। तो अभी क्या करो, आप पहले कॉपी बनाओ और मुझे कॉपी में दिखाओ कि आप लोग कॉपी में बना रहे हो या नहीं। चलो पहले आप क्या करो, अभी कॉपी में बनाओ और मुझे दिखाओ, पहले आप लोग कॉपी दिखाओ मुझे बना करके, आप लोग कॉपी में बना रहे हो कि नहीं, फिर आप इसका आंसर दिखाना, जाकर देना पोल्स में। बहुत बढ़िया, चलो हाँ ठीक है, मैं मुझे पता चल गया आप कॉपी बना रहे हो, चलो इसका आंसर दो आप जाकर पोल सेशन में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये आज की क्लास का ना सबसे आसान प्रश्न है, ये आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न है ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे, लास्ट 20 सेकेंड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों को उत्तर सही आ रहा है, ठीक है। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया है पोल सेक्शन में, जल्दी से जल्दी करेंगे इसका उत्तर पोल सेक्शन में। अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करते हो तो आपके अटेंडेंस लगने के चांसेस बहुत ही कम है, आपके अटेंडेंस लगने के चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो लास्ट 5 सेकेंड, मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे के सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कैमरा पर दिखा देंगे, और जिन बच्चों ने आंसर पोल्स में नहीं किया बच्चे पोल्स में आंसर कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, जल्दी करेंगे सर बच्चे। बहुत अच्छा बताओ, चलो कौन बच्चा इसका आंसर माइक ऑन करके बताना चाहता है, हैंड रेज करेगा। हैंड रेज मतलब आपकी स्क्रीन पे देखो इसे पांच उंगली का चिन्ह दिख रहा होगा, उसको क्लिक करना है, मैं उसमें चूज करूंगा कौन बच्चा इसका आंसर करना है करेगा, ठीक है। चलो ठीक है, मोहित कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप इस प्रश्न का उत्तर कीजिए माइक ऑन करके बताइए। मोहित कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया बताइए क्या होगा सर, इसका 72 आएगा। कैसे आएगा, 9 का टेबल हम लोग 8 बार पढ़ेंगे, है ना, तो 9 यस 72 आपका टेबल 9 बार, जिससे हमने ये भी सीखा है ना कि 9 गुने 8 लिखो या 8 गुने 9 लिखो बात बराबर है, तो आप इसको भी ऐसे भी गुना कर सकते हो, तो 8 का टेबल 9 बार, उससे भी क्या 72, दोनों तरफ से बात बराबर है ना, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है, समझ में आया। जल्दी से सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल एंटर कर देंगे। जल्द से सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देंगे, ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलो ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न बहुत ही सरल है, 85 गुने 25, ठीक है। चलो इस प्रश्न का उत्तर करना है आपको कहां पे, पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है।
थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा टाइम लीजिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन आंसर सही कीजिएगा, ठीक है, लेकिन आंसर आप सही कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं, देखो जल्दीबाजी नहीं करना है किसी बच्चे को, किसी बच्चे को जल्दीबाजी नहीं करना है, टाइम लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। टाइम लीजिए, कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन आंसर सही कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे। ठीक है, ठीक बहुत में लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, अभी तक जहां तक हम देख पाए 20 बच्चों ने उत्तर कर दिया है, 33 बच्चों में से मात्र अभी तक 20 बच्चों ने उत्तर किया है, बाकी बच्चे अभी तक इसका उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया, जल्दी करेंगे इसका उत्तर पोल सेक्शन में, और कॉपी में बनाते जाइए सर बच्चे, कॉपी में बनाते जाइए, ठीक है, फिर इसका आंसर कीजिए आप लोग। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है, चलो 5 4 3 2 1, ठीक है, चलो कौन बच्चे इसका उत्तर माइक ऑन करके बताना चाहता है, हैंड रेज करेगा, हैंड रेज करेगा, नहीं, नए बच्चे, कोई नए बच्चे होने चाहिए, चलो हैंड रेज करेंगे, ठीक है ठीक है। सोमवती चौहान नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, सोमवती चौहान नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप बता दो माइक ऑन करके इसका इसका आंसर, हाँ सोमवती चौहान नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप इसका आंसर माइक ऑन बताओ, हाँ बताओ, 2 हजार 132, सोमवती नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप इसका आंसर माइक ऑन कर बता दो, चलो ज्योति झाकर नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप ही इसका आंसर बताओ माइक ऑन करके, 2125, कैसे है ये बता दो आप, कैसे है, पहले 5 के गुना 5 के साथ करेंगे, बताओ बताओ कैसे करेंगे, ज्योति झाकर नाम से जो बच्चा, अच्छा इन्होंने लेफ्ट कर दिया, कोई बात नहीं, चलो फिर रमन कुमार नाम, अच्छा चलो आप ही बता दो, रियाज नाम से जो बच्चा जन के आप ही बता दो, सर 50-25 होता है, 5 आ जाएगा, 2 हासिल चढ़ जाएंगे, सर चलो एक एक कर धीरे धीरे करते हैं, 5 यहाँ जाएगा और 2 यहाँ जाएगा, हर से 2 जाएगा हर से, है ना, सर अब क्या करेंगे, हाँ, 5 8 40 40 2 42, 5 से गुना 8 से 40, और 2 यहाँ हासिल था, कितना जगह 42, गलत क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, है ना, चलो अब बता दो होता आगे क्या करेंगे, क्या चार, ये फिर करेंगे, गुणा इसमें का भी निशान लगा देंगे, गुना नहीं बोले, तो गुना नहीं बोले, इसको बोलो मतलब पांच, क्रॉस कर दिया, हटा दिया, यहाँ पे कुछ नहीं रखना, है ना, चलो अब बताओ क्या करेंगे, 2 5 10, 10 की 0, 10 के 0 और 1 हर सिर, है ना, चलो आगे बता दो, 2 8 16, 16 1 17, 16 और हार से 1 17, यहाँ गया 17, सत्रह, है ना, चलो हाँ जी, अब इसका प्लस हो जाएगा, 5 का 5, 2 2, 11 1 हासिल 1, और 1 1 2 हो जाए, है ना, 21 25, 2 हजार 132, कौन सा सही है, ऑप्शन बी जो मेरा सही उत्तर, आगे समझ में आपको, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, चारों उसमें डबल अटक कर दो, सारे बच्चे करेंगे, सारे बच्चे करेंगे, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चारों उसमें डबल अटक कर, अपना माइक ऑफ ऑफ रखिए, अपना माइक ऑफ रखिए, आगे वो सारे बच्चे समझिए, बहुत ही आसान प्रश्न था, बहुत ही आसान प्रश्न था, है ना, चलो ठीक है, ठीक इसी प्रकार और 2-3 प्रश्न है, चलो अगला प्रश्न देखेंगे सारे बच्चे, बहुत ही आसान प्रश्न, ये तो 2 अंक था, अगला है 3 अंक का, 375
का गुना 161 के साथ, 375 का गुना 161 के साथ करना है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, थोड़ा सा टाइम लीजिए, कोई सुनिए आप टाइम में कोई सुनिए, लेकिन आंसर आप सही कीजिए। ये थोड़ा सा टाइम लीजिए लेकिन आंसर आप सही कीजिए, ठीक है? चलो, क्योंकि 3 अंक वाला है तो हो सकता है थोड़ा सा आपको टाइम लगे। चलो, जल्दीबाजी में आपको उत्तर नहीं करना है, सबसे पहला बात तो जल्दीबाजी में आपको उत्तर नहीं करनी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, टाइम लीजिए, क्योंकि 3 अंक में थोड़ा सा है टाइम लगेगा आपको, थोड़ा जोड़ने गुना करने में थोड़ा टाइम लगता है। कोई सुनिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए, लेकिन आंसर कोशिश कीजिए कि जब भी आंसर दो तो सही आंसर दो, है ना? चलो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का आंसर सही आ रहा है, ठीक है? अभी ओके आंसर नहीं दिखाना है, अभी नहीं दिखाना। हाँ, मुझे पता है आप लोग बना ले रहे, मुझे पता है अधिकतर बच्चे बना ले, ठीक है? थोड़ा सा टाइम लीजिए, थोड़ा सा टाइम दे देते हैं बाकी बच्चों के लिए भी, क्योंकि अभी तक 33 बच्चों में से मात्र 12 बच्चों ने आंसर दिया है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दे देते हैं ताकि 3 अंक वाला थोड़ा सा हो सकता है गुना करने में थोड़ा सा टाइम लगे, है ना? चलो, बाकी आपको कैमरा ऑन करके इस प्रश्न का आंसर अभी नहीं दिखानी होती है, ना ही माइक ऑन करके बतानी होती है, जब मैं बोलूंगा तो आप दिखा देना, ठीक है? ठीक है, सविता सोनू नाम से जो बच्चा जानते हैं, जब मैं बोलूंगा तो आप दिखा देना, ठीक है? चलो, 15 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, बाकी बच्चे करेंगे जल्दी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, 16 बच्चों ने कर दिया, 17 ने कर दिया, लास्ट 20 सेकेंड, सर 2 मिनट रुको, 1 मिनट, लास्ट 10 सेकेंड, सर रुको जरा, लास्ट 10 सेकेंड। हाँ, आप आराम से करो, आप आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से करो। पर पोल मत बंद करना, हाँ, पोल में जाकर आपको आंसर करना है। चलो, लास्ट 5 सेकेंड। चलो, तब तक जितने बच्चों ने बना लिया है वो बच्चे कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं, तब तक जितने बच्चों ने बना लिया बच्चे कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं आप अपना, अगर आपने बना लिया तो आप कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो। चलो, लास्ट 5 सेकंड में करते हैं। चलो, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे के सारे बच्चे जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेशन में कर दे, है ना? चलो, 5 4 3 2 1। ओम प्रकाश वर्मा नाम से जो बच्चे, हाँ, आपने बनाया, बहुत बढ़िया। चलो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, जहां तक हम देख पा रहे हैं, चलो, मोनिका गोस्वामी नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया, आप अपना माइक ऑन करो और इसका आंसर बता दो। मोनिका गोस्वामी नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया, आप अपना माइक ऑन करो और इसका आंसर बताओ। जी एक का पाड़ा 5 तक चलाएंगे तो जी 5 आओगा, हाँ, ठीक है, आगे क्या करेंगे? तो जब एक का पाड़ा 7 तक चलाएंगे तो 7 और 1 का 3 तक तो 3। तीन है, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, नीचे का हटा देंगे पहला अंक वाला, ठीक है? अब क्या करेंगे, 6 5 30 होते हैं तो 30 तो नीचे लिख देंगे और 7 के ऊपर 3 लगा देंगे जी। हाँ, मतलब 3 हमारा हार्ड फिल हो जाएगा, मतलब मान लो कि 3 हमारा हार्ड फिल हो गया। अब बता दो, अब 6 का 42 होते हैं और 42 में 3 जोड़ देंगे जी, 45 हो जाएगा, 45 का 5 जी और ऊपर चले, ऊपर 4 हासिल चला जाओगा जी, चला जाएगा, ठीक, बहुत बढ़िया। आगे बताइए क्या करेंगे हम आगे, 6 का पाड़ा 3 तक चलाएंगे तो 18 और 18 में 4 जोड़ेंगे 22 आएगा सर, 22 आ जाएगा जी, बहुत बढ़िया। आगे बता दीजिए जी,
के निशान लग जाएंगे सर दो। हाँ फिर 2 लग जाएगा, फिर आगे क्या करेंगे? तो चलो मैं आपके लिए 2 लगा दूं, फिर क्या करेंगे? हाँ एक का पढ़ पांच तक तो पांच, एक का पढ़ सात तक तो सर सात, एक का पढ़ सात तक तो सर सात, चार आगे, और फिर तीन, और फिर तीन, फिर एक का पारा 3 बार। अब क्या प्लस हो करेंगे? जाएगी सर, फिर प्लस हो जाएगी सर, जोड़ देंगे, जोड़िए आप इसको, जोड़ के बताइए क्या होगा। पांच का तो नीचे के नीचे, पांच का तो नीचे के नीचे, 5 आ फिर जाएगा। सात, फिर सात, पांच पांच दस और तीन तेरह, आठ तेरह का छिलका और तीन तेरह, हर्षिल तेरह का छिलका हासिल एक, ठीक है। आप क्या करेंगे? सर, सात और दो नौ सात और एक हासिल, दो और नौ और एक 10 की 0 हासिल हासिल, एक, 10 की 0 हासिल, 10 का 0 हासिल 1। फिर क्या करेंगे? तीन दो पांच और एक हासिल, तीन दो छह पांच जी, और एक हासिल, छह जी, ठीक। कौन सा ऑप्शन सही है बता दीजिए। सेकंड ऑप्शन सर, सेकंड ऑप्शन सर, ऑप्शन बी जो है मेरा सही है ना। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 4 विषय में डबल आर लीजिए। बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा बताया आपने, बहुत ही अच्छा बताया, ठीक है। चलो इसी प्रकार जिस प्रकार से मोनिका गोस्वामी नाम से बच्चा जो ज्वाइन किया है, बच्ची जो ज्वाइन किया है, कितना अच्छा प्यार से बताया, ठीक इस प्रकार मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे बच्चे जरूर पार्टिसिपेट करें। आप भी कोशिश किया कीजिए कि आप भी हैंड रेज कीजिए, आप भी बताने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो मैं सभी को मौका दूंगा, जरूर मौका दूंगा सारे बच्चों को, ठीक है। चलो चलो ये प्रश्न समझ में आया सारे बच्चों को। चलो तो ये था हमारा पूर्ण और प्राकृतिक संख्या पर संक्रिया, जिसमें कि हम लोगों ने जोड़ घटाव गुणा पढ़ लिया, जोड़ घटाव गुणा भाग हमने पढ़ लिया, जोड़ घटाव गुणा सीख लिया। अब हम सीखेंगे भाग, अब हम सीखेंगे भाग, ठीक है। चलो भाग सीखेंगे। चलो जिन जिन बच्चों को भाग आती है वो बच्चे 4 बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, और जिनको थोड़ा बहुत भी डाउट है बच्चे एन टाइप करेंगे। जिन बच्चों को भाग आती है बच्चे 4 बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, और जिनको थोड़ा बहुत भी डाउट है बच्चे एन टाइप करेंगे। चलो मतलब सबको आती है, चलो देख लेते हैं। चलो एक प्रश्न मेरा सारे बच्चों से है, प्रश्न क्या है कि बताइए हम भाग को कुल कितने प्रकार से दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। मान लो ये लिखा है 12 भागे 4, तो हम भाग को कुल कितने प्रकार से लिख सकते हैं? भाग को हम कुल कितने प्रकार से लिख सकते हैं? 4 ऑप्शन बताइए सर बच्चे। प्रचार भाग को हम कुल, प्रचार नहीं 4 ऑप्शन बताना आपको, माइक ऑन नहीं करना आपको, मैं बार बार एक ही बात बोलूं आपको, 4 ऑप्शन बताना है, माइक ऑन नहीं करनी है किसी भी बच्चे को। चलो कितने प्रकार से, कोई बच्चा 2 बोला, कोई बच्चा 3, चलो 3 जो है सही उत्तर है। भाग को हम कुल 3 तरीके से दिखा सकते हैं, कैसे? देखो ये तो हो गया आपका पहला तरीका, मान लो 12 को भाग देना 4 से, हो गया पहला तरीका। तो दूसरा तरीका क्या है, 12/4 लिख दो, मैंने पढ़ाया भी था आपको जब मैं भाग पढ़ा था, ये हो गया हमारा दूसरा तरीका। और जो तीसरा तरीका क्या है, सिंपली 12 में से भाग दे दो, ये हो गया आपका तीसरा तरीका। यानी किसी भी भाग को हम लोग कुल 3 तरीके से दर्शा सकते हैं, किसी भी भाग को हम लोग कुल 3 तरीके से दर्शा सकते हैं, तीनों तरीके से एक ही आंसर आने वाला है। ये समझ में आएगा सर बच्चों को कि अगर किसी भी भाग को हम लोग कुल कितने तरीके से दर्शा सकते हैं? 3 तरीके से दर्शा सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया, प्रश्न जो है ना आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न बहुत ही सरल है, और जैसे किसी बच्चे को भाग आते हैं प्रश्न दिया गया है। चलो भाग दो सर बच्चे को, और बताओ 4 बॉक्स में क्या मिलेगा। बहुत 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 भाग सर बच्चे, और इसका आंसर बताएंगे 4 बॉक्स में क्या मिलेगा हमें, इसका आंसर बताना, इसका आंसर बताना है, जब 455 में हम लोग 7 से भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ठीक है। सविता सोनाम से जो बच्चे जो आपने सही ना है, बहुत अच्छा, ठीक है। रियाज नाम से जो बच्चे, आपको कोई डाउट है क्या, क्या आप बार बार माइक ऑन कर ले रहे हो, कोई डाउट है पूछ लिया करो, अनावश्यक माइक ऑन नहीं कर रहे हैं, मैं बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप अनावश्यक माइक ऑन करो तो आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, अब फिर से क्लास ज्वाइन करो फिर से आपको दिखने लगेगा, स्क्रीन रूप ठीक है। की थी सर, नेटवर्क इशू आपके साथ है थोड़ा, स्क्रीन रूप की थी सर, अभी ठीक है ना। चलो बहुत बहुत चांसेस आई कर रहे हैं, आंसर सही कर रहे हैं बहुत में। चलो क्या करेंगे सिंपली, चलो सिंपली देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखो 7 का पहरा देखते हैं कितना बढ़ जाएगा, 7 मैं लिख भी देता हूँ, 7 एक कम होता है 7,
सात दूनी हो जाएगा 14, सात त्रिका होता है 21, सात चौका हो गया 28, सात पच्चे हो गया 35, सात छक 42, 49। अब देखो 42 और 49 बीच में आ रही है, यानी क्या हो जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा, सात छक 42, सात क्या 35 में 42 कितना बचेगा, 45 में 42 गया आपको मिल तीन, कितना मिलेगा तीन। तो आपको मिलेगा कितना, आपको मिलेगा हासिल कितना मिलेगा, हासिल मिलेगा आपको तीन, कट गया। फिर यहाँ पांच तीन सात पचे 35, सात पचे 35 कट गया, तो बताओ कुल कितना मिला, कुल आया हमारे पास कितना भागफल आया, बताओ सभी, यहाँ पे भागफल कितना है, यहाँ भागफल आया हमारे पास 65, भागफल कितना है, भागफल आया हमारे पास 65। आगे समझ में सर बच्चे को, भागफल कितना है, भागफल आया हमारे पास 65, यानी 455 में जब हम सात से भाग देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 65, कितना प्राप्त होगा 65। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को यहाँ तक तो सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, है ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो, सारे बच्चे जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो ठीक। इसी प्रकार एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न ये जो है ना बहुत ही सरल प्रश्न है, आराम से इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर जो है ना आपको चैट बॉक्स में देना है। देखो दो आंसर देना है, सबसे पहले आपको आंसर देना है भागफल बताना है और दूसरा बताना है आपको शेषफल, भागफल बतानी है फिर शेषफल बतानी है, भागफल बतानी है फिर शेषफल बतानी है। चलो सोनू कश्यप नाम से जो बच्चे ज्वाइन किए बाबू क्लास, अगर आप लेट से ज्वाइन करो तो कोशिश करो पहले क्लास ज्वाइन करो, अगर आप अनावश्यक हरकतें करना चाहते हो तो यहाँ पर अनावश्यक हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ठीक है, इस बात पर ध्यान देंगे आप। कोशिश किया करो जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसको आंसर दो, और आंसर नहीं आता है तो आप पूछ लिया करो सिंपल, मैं बता दूंगा आपको, सिंपल बात है, पढ़ाई हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो शांति से हम लोग पढ़ाई करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो बताएंगे सर बच्चे 18 का पारा हमें पढ़ना है, 18 का पारा पढ़ना हमें। चलो आकाश गोस्वामी नाम से जो बच्चा जान के, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत अच्छा बनाया आपने, सही बनाया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे भी देखिए कितना प्यारा इन्होंने बनाया है, निक्की नायक नाम से जो बच्चा इन्होंने भी बना लिया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ठीक है। चलो तो मतलब सारे बच्चे बनाने लगे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो तो क्या किया था, देखो ध्यान देते हैं कैसे किया हमने, हमने देखा कि जब हम 18 का पहरा 5 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, 18 पच्चे 90, तो 96 में से 90 गया कितना बचेगा 6 और यह हो गया 0। अब बताओ क्या मिलेगा, अब हमें मिलेगा 18 का पहरा पढ़ते हैं, 18 का 18 18 दूनी 36 18 यही 54, 18 18 दूनी 36 18 यही 54, कितना होगा 18 यही 54, चलो 18 हो गया ये 54 हो गया 54। अब 60 में से 54 जाएगा कितना बचेगा, 60 में से 54 जाएगा 6 बचेगा, और फिर यहाँ हो गया 7, 18 फिर क्या होगा 18 यही 54, 18 यही 54। अब देखो 7 में से 4 गया 3, 6 में से 5 गया 1, कितना आया 13। तब किसको भागफल बोलते हैं, तो इसको हम लोग भागफल बोलते हैं, यानी 533 हो गया आपका भागफल और ये हो गया 13 हो गया आपका शेषफल, और 13 हो गया आपका शेषफल, 533 भागफल और 13 हो गया आपका शेषफल। यहाँ तक क्लियर है, अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न था, बहुत ही आसान प्रश्न था, समझ में आ गया यहाँ तक, चलो ठीक है। चलो अब देखो इसी से संबंधित ना हम लोग के पास प्रश्न है जो कि आपके स्क्रीन में स्क्रीन पर दिख रही होगी, और ये प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है, जल्दी से सारे बच्चे इस प्रश्न बनाएंगे और इसका आंसर कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर कर देंगे, जल्द से इस प्रश्न बनाएंगे और इसका आंसर कहाँ करेंगे सारे बच्चे, पोल सेक्शन में जाकर कर देंगे, ठीक है। चलो लास्ट बहुत ही हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो आराम से करेंगे सर बच्चे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई जल्दीबाजी जल्दीबाजी नहीं, आराम से इस प्रश्न को उत्तर करेंगे सर बच्चे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो
नौ बच्चे निकलते हैं, बहुत अच्छा। चलो सबसे पहले तो मैं इसको आपको लिख के दिखाता हूँ, देखो कैसे कैसे लिखेंगे। क्योंकि पहला तरीका इसको लिखने का 77/11, ठीक है। फिर ये दूसरा तरीका क्या होगा, 77/11। फिर आपको तीसरा तरीका क्या होगा, 77 में भाग देना हमें किससे के साथ, 11 के साथ। चलो भाग देना, टोटल तीन तरीके हैं हमको इसको लिखने का, भाग को लिखने का, तीनों तरीके से एक ही आंसर आएगा, ठीक है। अभी तक एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिस बच्चे का इस प्रश्न का उत्तर गलत आया हो, सारे बच्चों को उत्तर सही था, है ना। चलो जल्दी करेंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 20 प्रश्न करते बहुत अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। 21 प्रश्न करते बहुत अच्छा, चलो लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 5 सेकेंड मैं क्या करता हूँ, चलो मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। और जहां तक जितने बच्चे इसका कैमरा में दिखा रहे हैं, सारे बच्चों को उत्तर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो 5 4 3 2 1, ठीक है। चलो ध्यान देते हैं हम लोग यहाँ पे, चलो 77 में हम लोग भाग देंगे किससे, 11 से। ये हो जाएगा हमारे पास 11 7 77 11 7 77, क्योंकि कैंसिल आउट, कितना बार में कटा, कैंसिल आउट हुआ 7 बार में। तो व्हिच ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में सारे बच्चे डबल वाइट कर देंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक है ठीक है, चलो ठीक। इसी प्रकार एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न जो है बहुत ही आसान है, इजी है, सरल है। ध्यान से पहले आपको इसको ध्यान से देखना है प्रश्न को, फिर इसका आंसर करना है कहां पे, पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है। चलो कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से इस प्रश्न का उत्तर कीजिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, 4600 भागे हो गया 10, 4600 बट्टा हो गया 10, और 10 से हम किसमें भाग दे रहे हैं, 4600, ठीक है। चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा, चलो जल्दी करेंगे सर, वो चीज का आंसर कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन जाकर करेंगे। और जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही आ रहा है। तो जिस तरीके से आपको बनाना है उस तरीके से बनाओ, भाग को कुल हम तीन तरीके से दर्शाते हैं, जिस तरीके से आपको आसानी होता है उस तरीके से बनाओ, सिर्फ आंसर सही आना चाहिए। और तीनों तरीके से आंसर एक ही आएगा, सही आएगा, ठीक है, एक ही आएगा, कोई अलग आंसर नहीं आएगा, तीनों तरीके से सबका एक ही तरह का आंसर आएगा, सही आएगा। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकंड मैं कह रहा हूँ। चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरे उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों को उत्तर सही है। देखो दो तरीके से कर सकते हैं, सबसे पहला तरीका देखो सिंपली 1 0 से 1 0 कट गया, 460 हमें दिख रहा है, ये का पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, सिंपली भाग दे दो 4600, इसमें भाग देना हमें किससे, 10 से। चलो भाग दो इसमें 10 से, ये आएगा देखो 10 चौका 40, तो 46 में से 40 से क्या बचेगा 6, फिर आएगा यहाँ पे 0, ये आएगा 10 6 60 कट गया, फिर यहाँ पे है 0 और 10 0 0, 10 0
जीरो, ये हो गया 460। ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है 460। यहां तक क्लियर है, 460 मेरा सही उत्तर है। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाटिप कर दीजिए। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाटिप कर दीजिए। जल्दी करेंगे सर बच्चे, बहुत बढ़िया बच्चे। चलो ठीक, इसी प्रकार एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और ये प्रश्न भी बहुत ही आसान प्रश्न है, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे और इसका उत्तर कहां करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर करेंगे, ठीक है। चलो तो इसको भी मैं लिख देता हूँ, तीन तरीके से लिख सकते हैं इसको भी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे, पंद्रह बच्चों ने कर दिया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सोलह बच्चों ने कर दिया, बहुत अच्छा। सत्रह बच्चों ने कर दिया, बहुत अच्छा। अठारह बच्चों ने कर दिया, बहुत अच्छा। चलो लास्ट 20 सेकेंड, बहुत अधिकतर बच्चों को उत्तर सही आ रहा, अधिकतर बच्चों को उत्तर सही आ रहा। चलो जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया है, पोल सेक्शन में जल्दी जल्दी इसका उत्तर करेंगे, पोल सेक्शन में जल्दी करेंगे सर बच्चे इसका उत्तर, पोल सेक्शन में लास्ट 20 सेकेंड। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, ठीक है। चलो देख लेते हैं हम लोग इसको, 7140 को हमें भाग देना है किसे, 17 से। चलो कितना बार में जाएगा, चलो देख लेते हैं, पहले जाएगा 4 बार में, तो 17 चौका हो गया 68, 17 चौका हो गया, 17 चौका हो गया 68। अब देखो यहाँ पे बहुत बच्चे गलत कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, 71 में से जब 68 जो होता है उसको अच्छे से घटा नहीं पा रहा है, तो देख लेते हैं 71 में से 68 को देख लेते हैं हम लोग, घटाने तो सबको आता है, घटाने तो सबको आता है, चलो देख लेते हैं हम लोग। चलो घटाओ, 11 में से 8 गया 3, और यहाँ ये करिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6, तो 6 में से 6 गया क्या 0, यहाँ आ जाएगा 3 और यहां बच जाएगा 4, तो 17 दूनी 34, 17 दूनी हो गया कितना, 17 दूनी हो गया 34, कट गया फिर 0 है तो 17 0 0, 420 का 420, कौन सा सही है, ऑप्शन डी जो मेरा सही उत्तर है। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए, जल्दी करेंगे सर बच्चे।
ठीक है। सविता सोनू नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया बाबू, मैंने आपको कितना बार मना किया हुआ, कितनी बार वाई टाइप नहीं करते हैं, जो भी टाइप करना आप एक बार टाइप करो, एक से ज्यादा बार टाइप नहीं करना होता है। ठीक है, जल्दी से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, चलो। और आज की क्लास का आपका होमवर्क जो है आपके स्क्रीन पे, चलो ध्यान देंगे, आज की क्लास का होमवर्क आपके स्क्रीन पे है। कौन सा होमवर्क है आज की क्लास का? तो आज की क्लास का होमवर्क आपका ये है, प्रश्न संख्या उदाहरण नंबर दो। बाकी उदाहरण नंबर एक मैं अगली क्लास में बता दूंगा, पहले आज की क्लास का होमवर्क आपका उदाहरण नंबर दो। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का स्क्रीन शॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल अटैप कर दीजिए। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीन शॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल अटैप कर दीजिए। जल्दी करेंगे, आप इस पेज का स्क्रीन शॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क है, ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क है। जल्दी करेंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहां तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो बच्चा चार बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहां रुकेगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहां तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है, बच्चा एन टाइप करेगा और यहां रुकेगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।